गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज अ वीडियो ऑफ एम सी क्यूज ऑफ चैप्टर नंबर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेश ऑफ क्लास टेंथ नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्वेश्चन नंबर वन द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज नाउ अब स्टूडेंट्स समझें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये मैंने क्या है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है क्या मीनिंग है इसमें देखो वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए बी सी क्या है उसके कॉफिशेंट्स हैं इक्वेशन के ठीक है ए बी सी क्या है कोई भी कॉन्स्टेंट्स या रियल वैल्यूज वैल्यूज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे देखो एक्स की जो है पावर है या डिग्री कह लो वो कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम टू होनी चाहिए यानी कि क्वाड्रेटिक में क्या है पावर टू तो होनी चाहिए वेरिएबल की क्योंकि अगर पावर टू ही नहीं रहेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी अगर ये मान लो जीरो हो गया तो मेरे पास तो ये क्या रह जाएगी पावर वन वाली इक्वेशन और पावर वन वाली इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन सो इस केस में क्या होना चाहिए ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ये कॉफिशेंट की वैल्यू क्या है ज़ीरो हो गई उस केस में क्या है इक्वेशन क्वाडरेटिक नहीं रहेगी राइट right? इस केस में भी देखो यही चीज पूछी है इन्होंने द नससरी कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू बी क्वाडरेटिक क्वाडरेटिक कब होएगी ये वेन ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि देखो a अगर जीरो के इक्वल हो गया तो हमारा रह क्या जाएगा बी एक्स प्लस सी और ये पावर वन वाली रहेगी यहाँ पे क्या हो जाएगी ये लीनियर सो a ज़ीरो नहीं होना चाहिए राइट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब देखो रूट का क्या मीनिंग है यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है अब देखो x की पावर क्या है टू इट मीन्स हमारे पास एक्स के दो आंसर्स आएंगे या कह लो एक्स के दो सोल्यूशन आएंगे ठीक है एक्स के दो सॉल्यूशंस आएंगे अब इसी को सॉल्यूशंस को ही रूट बोलते हैं चाहे सॉल्यूशंस कह लो चाहे रूट्स कह लो चाहे जीरोज़ कह लो, लो एक ही बात है तीनों ठीक है आंसर कह लो चाहे एक्स के दो आंसर आएंगे यहाँ पे ठीक है अब उन्होंने क्या बोला है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इन सभी में से कौन सी वैल्यू जो है इसका रूट है अब जो रूट होएगा वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यानी कि अगर उसको पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल आती है अब सबसे पहले टू को इक्वेशन में पुट करें पहले वाले को टू स्क्र प्लस फाइव इंटू टू माइनस सिक्स कितना आ रहा है देखो फोर प्लस टेन माइनस सिक्स फोर्टीन माइनस सिक्स कितना बन गया ये एट इट मीनस राइट हैंड साइड में तो जीरो विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो आ ही नहीं रहा सो so, ये वाला रूट नहीं होएगा सेकेंड वाला चेक करते हैं नाइन स्क्र प्लस फाइव इन टू नाइन माइनस सिक्स ये बनेगा नाइन नाइन ज़ा सॉरी यहाँ पे थ्री आना था थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव माइनस सिक्स अब देखो ये जीरो बन रहा है ये भी नहीं बनेगा ठीक है कैलकुलेशन की ये बिना ही जजमेंट हो रही है नाउ वन को पुट करना है थर्ड वाले को वन स्केयर प्लस फाइव इंटू वन फाइव ही रह जाएगा माइनस सिक्स ये बन गया फाइव प्लस वन सिक्स माइनस सिक्स राइट हैंड साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो बन गई राइट साइड भी क्या है ज़ीरो सो so, ये सेटिस्फाई कर रहा है अब जीरो पुट करोगे देखो ज़ीरो स्केयर जीरो फाइव इंटू ज़ीरो जीरो माइनस सिक्स ये बन रहा है माइनस सिक्स राइट हैंड साइड में क्या ज़ीरो ये भी नहीं बन रहा इट मीनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिर्फ थ्री के केस में बन रही है यानी कि वन जो है क्या होएगा इसका रूट होएगा यानी कि एक वैल्यू जो एक्स की क्या आएगी वन आएगी राइट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री चेक विच ऑफ दी फॉलोइंग गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब देखो हमने चेक करना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक मीन्स इसकी पावर देखेंगे मैक्सिमम एक्स की टू बन रही है या नहीं बन रही अब देखो इस केस में क्या है एक्स की पावर टू तो है ही है देखो सो यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लीनियर फैक्टर्स हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्व्ययर पहले इस एक्स को इसके साथ करेंगे एक्स इन टू एक्स एक्स स्वयर प्लस थ्री एक्स प्लस अब वन को दोनों के साथ कर लो प्लस वन एक्स एक्स प्लस थ्री वन टू जीरो यानी कि ये मेरा बन गया एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अब देखो ये भी तो क्वाड्रेटिक है यस दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक नेक्स्ट इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब हम x माइनस टू होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इसको सॉल्व कर ले नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a माइनस बी होल स्केयर फॉर्मूला खोलो ए स्केयर प्लस बी माइनस फोर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव नाओ लेफ्ट हैंड साइड में सारी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स जो है इधर ले आओ साइन चेंज हो जाएंगे ये एक्स स्केयर एक्स स्केयर कट गया माइनस फोर माइनस थ्री इज माइनस सेवन माइनस वन इक्वल टू जीरो अब देखो यहाँ पे मेरी क्या बन गई ये एक्स स्केयर वाली तो टर्म खत्म ही हो गई ये क्या बन गई मेरी पावर वन वाली इट मीनस ये लीनियर बन गई सो दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन नॉट अ लीनियर इक्वेशन ठीक है ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स आप खुद चेक करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेके एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू सेवन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में ठीक है ये आपने खुद चेक करना है फोर देखें बेटे इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन गिवन है कॉर्डरेटिकन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अब देखो इस इक्वेशन का एक रूट हमें गिवन है यानी कि एक्स की एक वैल्यू जो है टू है इट मीन्स ए की वैल्यू निकालनी है अब एक वैल्यू रूट गिवन है आपको इट मीन्स उसको इसमें पुट कर दें उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए नाउ बिकॉज टू इज अ रूट सो टू इसको क्या करेगा सेटिस्फाई एक्स की जगह पे टू पुट करने लगी हूँ देखो टू स्के माइनस टू ए प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो क्या बन जाएगा टू इन टू 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 ज फोर माइनस टू ए प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो ये मेरा बन गया एट माइनस टू ए प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन माइनस टू एक्वल टू ज़ीरो यहाँ से मेरा बन गया फोर्टीन इज इक्वल टू टू ए ए की वैल्यू क्या आ गई फोर्टीन अपॉइंट टू सेवन यानी कि ए की वैल्यू यहां से बच्चे क्या आ गई मेरी सब दिस इज़ माई आंसर काफ़ी इजी था इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है देखो इक्वेशन चेंज करके यहाँ पे ए की जगह कांस्टेंट कोई भी के लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं या कोई भी और वैल्यू लिख सकते हैं राइट right? सो so, ये जनरल मेथड हो गया उसका नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखें फिल इन द ब्लैंक द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन एक्स फोर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज अब यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में देखो के की वैल्यू क्या होएगी के देखो क्या है एक्स की पावर है अब उन्होंने बोला ये क्वाडरेटिक इक्वेशन है क्वाडरेटिक इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास एक्स की जो है पावर टू होनी चाहिए मैक्सिमम ठीक है अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर वन तो है एक्स की पावर टू होनी है इट मीन के की वैल्यू टू होएगी तभी क्वाडरेटिक बनेगी अगर के की वैल्यू वन हो गई फिर तो ये क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन राइट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें इफ एक्सर प्लस फोर एक्स रेज टू पावर एम प्लस थ्री रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम की मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए अब देखो यहाँ से x की देखो सपोज यहाँ पे मैंने m की वैल्यू टू ले ली ठीक है मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स केयर प्लस फोर एक्स स्यर प्लस थ्री ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नाओ ये मेरी बन जाएगी फाइव एक्स स्वयर प्लस थ्री अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक तो है ही है ठीक है इस केस में ये हो सकती है वैल्यू नाउ फोर फोर पावर देखो स्टूडेंट्स एम की हो ही नहीं सकती क्यों क्योंकि मेरे पास ये क्या गिवन है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में पावर फोर तो होती नहीं है एक्स की नेक्स्ट थ्री थ्री भी नहीं हो सकती थ्री भी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी वो ठीक है अच्छा वन चेक कर लेते हैं हम एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स की पावर वन पुट करेंगे प्लस थ्री अब देखो ये भी तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक ही है इसमें भी देखो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री कह लो वो कितनी है टू इट मीन्स ये भी मेरी क्या है क्वाड्रेटिक है अब देखो इन दोनों में से यहाँ पे मैंने पावर टू पुट की है और यहाँ पे मैंने पावर वन पुट की है देखो एक्स की ये वाली इट मीन्स हमें इस स्टेटमेंट में क्या पूछा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम मिनिमम वैल्यू क्या है वन आएगी सो वन इज द करेक्ट ऑप्शन टू नहीं, so, नहीं यहाँ पे लिखना अगर मिनिमम ना पूछी होती फिर हम इसको करेक्ट कर सकते थे राइट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखें द roots ऑफ quadratic इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर रियल एंड अनईक्वल इफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए स्टूडेंट्स पहले ये समझेंगे हम नाउ अब देखो इस टाइप की अगर मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक तो इसके रूट्स यानी कि एक्स की वैल्यूज जो हैं दो वैल्यूज निकलेंगी एक्स की पावर टू है अब देखो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए यह आपने याद करना है देखो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी एक माइनस बी देखो दो साइन लगाए मैंने बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए एक में यहाँ पे देखो माइनस लगाया देखो प्लस माइनस ठीक है दो वैल्यूज आ गई ये अब देखो सारा का सारा क्वेश्चन बेटा डिपेंड करता है बी स्केयर माइनस फोर ए सी पार्ट पे क्योंकि देखो माइनस बी बाय टू ए अगर आप देखें ये तो सेम ही है देखो स्टार्टिंग में आंसर में फर्क कहाँ पे पड़ेगा ये प्लस है जब आप पिछली वैल्यू इसमें प्लस करोगे इसमें पिछली वैल्यू माइनस करोगे इट मीन्स दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट पार्ट इसको क्या लिख देते हैं हम बी स्केयर माइनस फोर ए सी के इक्वल ठीक है अब देखो सारा आंसर डिपेंड करता है कि हमारी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है या ज़ीरो आ रही है अब देखो कोई भी नंबर वैसे भी क्या होएगा या तो जीरो से बड़ा आएगा या जीरो से छोटा आएगा या ज़ीरो के इक्वल आएगा तीन ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं यहाँ पे एक नंबर ही आएगा ना अंडर रूट के अंदर हमारे पास नाउ अब हम देखो केसेस डिस्कस करते हैं ये सबसे पहले मैं ये वाला केस डिस्कस करने लगी हूँ वन डी इज लेस देन ज़ीरो अब ये चीज़ ध्यान से समझना इन रियल नंबर सिस्टम रियल नंबर सिस्टम में बेटा दो ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं नॉट डिफाइंड फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं एक तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाए दैट इज नॉट डिफाइंड फॉर्म दूसरा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए ठीक है सो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास क्या है उसका आंसर नहीं आता उस क्वांटिटी का अब यहाँ पे देखो रियल्स में अब d इज लेस देन जीरो अगर मेरे पास देखो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा इस केस में क्योंकि लेस देन जीरो है लेस देन जीरो मीन्स जीरो से पीछे वाली वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज आ गई इट मीन्स यहाँ पे स्क्यो रूट के अंदर क्या आ जाएगा मेरा नेगेटिव इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा नो रियल रूट हमारे पास कोई भी यानी कि की कोई रियल रूट ही नहीं निकलेगा आंसर ही नहीं आएगा इसका कहने का ये मतलब है नो रियल रूट बस याद करने वाला है ही नहीं है कुछ इस क्वेश्चन में सेकेंड है अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए अब देखो डी ये वाला है अगर देखो पिछला पार्ट ही जीरो हो गया ये सारा ये भी ज़ीरो हो गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास माइनस बी बाय टू है अगर अब जीरो देखो इसमें बी में प्लस करो चाहे माइनस करो तो मेरा माइनस बी का बी माइनस बी रहेगा सो so, इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यूज देखो क्या आ जाएंगी माइनस बी बाय टू है माइनस बी बाय टू है देखो यही रह जाएगा ये तो ज़ीरो हो गया पार्ट ठीक है इस केस में मेरे पास क्या आते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स देखो यही निकला मेरे पास रियल भी आ गए रूट्स और इक्वल भी आ गए दोनों ठीक है अब नेक्स्ट थर्ड देखें थर्ड केस क्या है डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी जब अब देखो जब यहाँ पे डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाएगी उस केस में हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया करेगा हमेशा इस केस में एक्स की हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे डिस्टिंक्ट कह लो या कह लो डिफरेंट रूट्स क्योंकि देखो इस केस में तो इक्वल आ गई इस केस में आंसर ही नहीं आया इस केस में क्या अलग अलग निकलेंगे डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे एंड रियल रूट्स होंगे ठीक है यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स राइट इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सो ये तीन केसेस आपको याद रखने हैं अब देखो इसका क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे क्या आगे बन है क्वेश्चन पे आगे वापस में रियल एंड अनुअल रूट्स रियल और अनईक्वल इक्वल किसमें नहीं थे जब उसकी वैल्यू क्या है डी की ग्रेटर देन जीरो थी इट मीनस वेन दिस डी डी ये D लिखा हुआ है दिस इज ग्रेटर देन जीरो राइट लेस देन जीरो के केस में आंसर ही नहीं आना इक्वल टू जीरो के केस में इक्वल टू इक्वल रूट्स आ जाएंगे सो so, यही वाला केस बनेगा राइट नाउ क्वेश्चन नंबर एट देखें मैच द कॉलम टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स दो अलग अलग और रियल रूट्स किस केस में थे वेन बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल रूट्स किसके केस में थे जब इक्वल टू जीरो है इक्वल से याद रखना इक्वल टू जीरो नो रियल रूट आंसर किस में नहीं आएगा वेन बी स्केयर माइनस फोर ए सी जब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव वेरी इजी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इसमें देखो हमने क्या है नेचर फाइंड आउट करनी है रूट्स की अब देखो इन केसेस में हमने क्या करना है ये नेचर रूट्स की क्या है हम जैसे कहते हैं ना कि उसकी नेचर कैसी है अच्छी है या बुरी है इस रूट्स के केस में क्या आएगा यही इसकी नेचर है हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि रूट्स कैसे हैं रियल हैं रियल नहीं हैं इक्वल हैं या डिफरेंट है यही इनका नेचर है रूट्स का सो so, जब भी नेचर पूछी है उनकी तो हमने क्या फाइंड आउट करना है डी नाउ no. अब इस केस में देखो ए कितना है मेरा वन एक्स स्केयर के साथ जो भी नंबर है साइन भी साथ में लेना है प्लस और माइनस नेक्स्ट बी क्या होता है एक्स का कॉफिशेंट फाइव है प्लस का सी है कॉन्स्टेंट सिक्स नाउ बी स्केयर माइनस फोर ए सी निकाल लो बी स्केयर मीन्स फाइव स्केयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी कितना बन गया ये ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर वन आ गया यानी कि ग्रेटर दैन जीरो आ गया ठीक है इस केस में रूट्स क्या होते हैं हमारे पास टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स ये आंसर है आपका ये आपको ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकता है राइट ना क्वेश्चन नंबर टू देखें इसी का पार्ट इसमें ए की वैल्यू देखो कितनी है एक्सकेयर के साथ कॉफिशेंट है सिक्स बी है माइनस वन सी है टू ना बी स्केयर माइनस फोर ए सी चेक करेंगे बी स्क्र माइनस वन स्क्र फोर इंटू सिक्स इंटू सी ये बनेगा वन माइनस टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट ये मेरा बन गया नेगेटिव आ रहा है ना देखो विच इज लेस देन जीरो अब देखो लेस देन जीरो के केस में क्या था हमारे पास नो रियल रूट इस केस में क्या आ जाएगा नो रियल रूट नाउ सी थर्ड पार्ट इसमें देखो ए की वैल्यू क्या है फोर बी की वैल्यू है माइनस फोर सी की वैल्यू है वन नाउ बी स्क्र माइनस फोर ए सी कितना हो जाएगा माइनस फोर स्क्र माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ये मेरा बन गया फोर फोर जा, सिक्सटीन माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू सॉरी फोर बन रही है फोर देखो फोर जो सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन एज जीरो सो इस केस में डी की वैल्यू क्या आ गई जीरो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएंगे इक्वल एंड रियल रूट्स दिस इज माय आंसर ठीक है सो so, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने ये वाला डिस्कस किया है नाउ क्वेश्चन नंबर टेन देखें सी क्वेश्चन नंबर टेन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स अब देखो ये इक्वेशन है हमें इसके इक्वल रूट्स दिए हुए हैं अब देखो इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लगानी है रूट्स इक्वल कब होते हैं देखो के की वैल्यू कैसे निकलेगी अदरवाइज यहाँ से तो निकलेगी नहीं इक्वल रूट्स किस केस में होते हैं वेन डी क्या होता है हमारा ज़ीरो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए ना हो लिखो यहाँ पे ए कितना है के बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास एक्स का ऑप्शन थ्री सी है माइनस फोर ना हो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल है डी सो बी स्केयर बी स्केयर मीन्स थ्री स्केयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी कितना है माइनस फोर ये बन जाएगा मेरा नाइन प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन के इक्वल टू जीरो इट मीन्स सिक्सटीन के इज इक्वल टू माइनस नाइन के की कैलो वैल्यू आ गई माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन सो दिस इज द राइट आंसर राइट ना सेकेंड पार्ट ये आप खुद ट्राई करेंगे सेम इस केस में भी d को इक्वल टू जीरो कर देना वहां से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक नाइन बनेगी इसकी ठीक है यू कैन चेक दिस नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर इलेवन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अब हमें देखो रूट्स फाइंड आउट करने हैं रूट्स फाइंड आउट करने मीन्स x की वैल्यूज निकालनी है दो सो so, उसके लिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी एपॉन टू ए अब देखो ए कितना है मेरा टू बी है माइनस फाइव सी कितना है थ्री नाउ वैल्यूज देखो पुट कर दो इसमें सिंपली ये बन जाएगा फाइव प्लस माइनस इसी का स्क्यर करना है ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू ए कितना है टू इंटू सी कितना है थ्री अपॉन टू इंटू ए ये मेरा बन गया फाइव प्लस माइनस यहाँ पे देखो क्या बनेगा फोर टू 8, एट एट थ्री 25 ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर इज अंडर रूट वन बन गया यानी कि ये बन जाएगा फाइव प्लस वन बाय फोर एक आ जाएगा फाइव माइनस वन बाय फोर दो रूट्स निकलने ना देखो एक प्लस करके एक माइनस करके ये बन गया फाइव प्लस सिक्स बाय फोर फाइव माइनस वन एज फोर बाय फोर एक आ गया वन टू टू जो फोर टू थ्री यानी कि थ्री बाई टू एंड वन देखो दो आंसर्स निकले हैं एक्स के सो दिस इज द राइट ऑप्शन राइट नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ एक्स इक्वल टू टू इज अ रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस टू इज अब देखो ए और बी में रिलेशन बताना है एक रूट हमें गिवन है देखो एक्स इक्वल टू टू इस इक्वेशन का अगर देखो ये इस इक्वेशन का रूट है तो इट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स हम x की जगह क्या है टू पुट कर देंगे तो ये इक्वल टू जीरो आएगा यानी कि सेटिस्फाई करेगा नाउ ये बन गया फोर ए माइनस टू बी प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो माइनस फोर ए माइनस टू बी आप क्या करो यहाँ से टू कॉमन ले लो टू कॉमन ले लिया तो मेरा रह जाएगा टू ए माइनस बी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो बाई टू ये बन गया जीरो नाउ ये आपका क्या है रिलेशन आ गया इट मींस आंसर मेरा क्या आया है टू ए माइनस बी प्लस वन इक्वल टू जीरो देखो ये ए और बी में रिलेशन ही आ गया ना ठीक है दिस इज माई आंसर नेक्स्ट इज द वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच इक्वेशन गिवन है इक्वेशन हैज को इंसिडेंट रूट्स अब देखो को इंसिडेंट रूट्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे को इंसिडेंट रूट्स का मीनिंग है कि सेम कि डी की वैल्यू जीरो है इस केस में भी सेम इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है आपने ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू माइनस एन सी की वैल्यू क्या है एन इट मीन्स यहाँ से हमने क्या करना है एन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे हम बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो ये मेरा मन जाएगा बी की जगह माइनस एन स्केयर माइनस फोर इन टू टू एन इक्वल टू ज़ीरो एन स्केयर माइनस एट एन इक्वल टू ज़ीरो एन कॉमन आ जाएगा एन माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो अब देखो दो चीज़ों की प्रोडक्ट ज़ीरो है दो फैक्टर्स बन गए ना यहाँ पे इट मीन्स आइदर एन इज ज़ीरो और एन माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि तभी ज़ीरो बनती है ना कोई चीज़ कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इनमें से एक तो कम से कम ज़ीरो होएगा ही so, होएगा सो इसको इक्वल टू जीरो किया तो ये आ गया इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे वहाँ से एन की वैल्यू so, क्या आ गई एट सो इसका आंसर क्या आ गया एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एन इज़ टू एट सो दिस वॉज ऑल अबाउट एम सी क्यूज ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स अगर आपके इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हैं देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स डेफिनेटली आई विल आंसर दैट क्वेश्चन और आई विल मेक अ वीडियो ऑफ योर क्वेरीज सो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो